नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी कुंडली के सेकंड हाउस के राहु के बारे में। आपकी कुंडली है, आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो सकते हैं, या आप जब किसी को कुछ बोल देते हैं वो हमेशा सच हो जाता है। ऐसा हुआ हो कि आपने किसी को कुछ कहा, आपने उसे बद्दुआ दी और वो चाहे 10 साल बाद पूरी हुई लेकिन वो बात सच साबित हुई। लोग आपको बोल देते हैं कि इसके जबान पे सरस्वती बैठी रहती है, या एक काली जबान का व्यक्ति है जो बोलता है सच हो जाता है, या आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आप जो कमाना चाहते हैं जितना कमाना चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर नई अचीवमेंट आप लेना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में पैसा इतना कमाते हैं पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप कंजूस भी नहीं है पर लोग फिर भी आपको कंजूस कह देते हैं। और आपने अगर किसी को पैसा दिया और वो पैसा 100% मर जाता है, वो पैसा कभी लौट के नहीं आता है, और जिसने आपसे पैसा लिया वो पैसे को लेने के बाद डूबता चला जाएगा, उसका व्यापार खराब हो जाएगा आपसे पैसा लेने के बाद। या आपकी सीढ़ियों के आसपास में जहां से आपका मुख्य द्वार है वहां पर सीढ़ियां हैं, वहां पे वॉशरूम है, लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, वहां गंदगी है, घर के मुख्य द्वार के आमने सामने कोई अस्पताल या कोई कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो फिर ये कुंडली अपने उठा के देखिए, अपनी कुंडली के सेकंड हाउस को देखिए। सेकंड हाउस में हो सकता है आपकी कुंडली में राहु हो, और अगर आपके सेकंड हाउस में कुंडली में राहु है तो फिर ये सारी चीजें आपकी कुंडली को मैच करेंगी। आपकी बारे में लोग कहेंगे कि ये घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर निकलने के बाद ये बहुत बड़ा आदमी बना, आप बनेंगे। आपके दादा परदादा जिस समय डेथ की कगार पे होंगे, जिस समय वो मृत्यु संज्ञा पे होंगे, मरने वाले होंगे, डेथ हो चुकी होगी, उस समय आप कहीं बाहर होंगे और आपको लोग फोन करके बुलाते रहेंगे आपके दादाजी की डेथ हो गई, आप आ जाइए, और आप आ नहीं पाएंगे। ये सेकंड हाउस का राहु है। इसके बहुत अच्छे लक्षण भी होते हैं, इसके लक्षणों में आपको बहुत बेनिफिट भी मिलता है, बहुत कुछ नुकसान भी होता है। आज डिस्कस करेंगे पूरी बातों पर सेकेंड हाउस के राहू के बारे में। तो नमस्कार, मैं आचार्य अवधेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष टॉक विद अवधेश में। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, उससे आपको अगली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे। देखिए, लग्न के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपका लग्न कुछ भी है, आपकी राशि कुछ भी है, फर्स्ट हाउस के बारे में वीडियो बना चुका हूं पहले भी। लग्न में अगर आपका राहु लग्न में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो उसकी वीडियो आपके पहले आ चुकी है, आप वहां से चेक कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे आपका कुंडली में राहु सेकंड हाउस में क्या क्या चीजें बनाता है, कैसे कैसे डिस्कस करेंगे, पूरे पॉइंट को देखना, और इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। अगर आपकी कुंडली में कुछ गलत इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उन उपायों को भी हम डिस्कस करके चलेंगे। देखिए, पहले दूसरे भाव को समझते हैं। सेकंड हाउस स्वामी शुक्र, इसका जो कारक होता है वो बृहस्पति होता है, और सेकंड हाउस ज्योतिष में रिप्रेजेंट करता है आपकी वाणी को, आपके पैसे को, इनकम को, आपके चेहरे को, दांतों को, गले को, आपके रिलेशनशिप को, जो आपके करीबी दोस्त हैं, आपके जो परिवार के मित्र हैं, परिवार के लोग हैं उन सब को, आपके बोलने की एक्ट को, आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को, और आपके मन में पनप रहे लालच को। ये सारी चीजें सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। दूसरे घर में अगर हम बात देखते हैं तो ज्यादातर ज्योतिषी बोलते हैं कि सेकंड हाउस में राहु पापी होता है। नेचुरल सी बात है, राहु पापी होता है सेकंड हाउस में, लेकिन राहु जिस घर में बैठता है, देखो उस घर से संबंधित वो इफेक्ट आपको देता है। राहु का अपना पर्टिकुलर कोई हाउस नहीं है, ना कोई पर्टिकुलर उसकी राशि है, ये बार बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो सेकंड हाउस में अगर आपके राहु है तो आपकी वाणी, आपके रिलेशंस, आपका पैसा, इनकम, खर्च करने का तरीका, आपके वाणी का लोगों पे पड़ने वाला इफेक्ट, आपकी हंसी मजाक, ये सब चीजें आपको राहु रिप्रेजेंट कर देता है। तो एक एक बात को मैं लेके चलूंगा इसमें, तो अंत तक बने रहे वीडियो के साथ में, और आपकी कुंडली एक बार देख लीजिएगा सेकंड हाउस में है तो ये सारी चीजें आपको मैच होंगी, 100% मैच होती है। हाँ, कभी कभी कुंडली में क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, या फिर मुझ पे पर्टिकुलर चीजें मैच नहीं होती, तो वो आपकी कुंडली के आसपास के कोई ना कोई योग होते हैं। पहले समझते हैं राहु सेकंड हाउस में आता क्यों है। देखिए, फैमिली में राहु जब भी आपकी कुंडली में आएगा, या आपके परिवार में कोई बच्चा सेकंड हाउस में राहु को लेकर पैदा होगा, तो राहु रिप्रेजेंट करता है आपके पूर्व जन्मों के फल को। ये बंदा जो राहु के सेकंड हाउस में लेके आया है, ये नेचुरली है, ये इस जन्म में मजे लेने के लिए आया है, ये पैसा कमाने आया है। आपके परिवार में जितने भी कष्ट हैं, अगर कोई सेकंड हाउस का बंदा पैदा हुआ है राहु लेके, तो ये समझ लीजिए आपके परिवार के सारी दरिद्रता को मिटाने के लिए वो आया है। ये राजा है,
ये इतना कमाएगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये लाख कमाएगा, दो लाख कमाएगा, ये अपनी इनकम को लेके बियॉन्ड द लिमिट्स जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये लाख भी कमा सकता है, करोड़ भी कमा सकता है, दो करोड़ भी कमा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये कैसे काम करते हैं? राहु जब सेकंड हाउस में होगा तो ये आपकी अर्निंग को अफेक्ट करेगा, एक क्रिएटिविटी लेके आएगा कि मेरे को पैसा कमाना है। घर से भी जुड़ना चाहेगा क्योंकि सेकंड हाउस आपके रिलेशंस को भी शो करता है। सेकंड हाउस का राहु वाला व्यक्ति चाहेगा कि मैं घर में रहूं, मैं परिवार की सेवा करूं, मैं माता पिता से बहुत प्यार करूं, माता पिता मेरे से बहुत प्यार करें, उनके सुख दुख में मैं हमेशा साथ रहूं। पर दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है अर्निंग का। जब तक ये बंदा अपने घर में रहेगा तब तक इसे अर्निंग में समस्याएं रहेंगी। तो इसे अंत में आके डिसीजन लेना पड़ेगा कि घर से बाहर जाना है। ये घर से बाहर जाएगा, कमाएगा और बहुत कमाएगा। तो अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए सेकंड हाउस के राहु वाले व्यक्ति को घर से बाहर जाना ही होगा। ट्वेल्थ हाउस वाला राहु भी घर से बाहर भेजता है, लेकिन वो घूमने जॉब वॉब के लिए भेजता है। लेकिन सेकंड हाउस वाला राहु जो होता है ये तो घर से बाहर इनकम के लिए भेजेगा, इसके बिना इसका काम नहीं चलने वाला। अब इसको पैसा बहुत आता है, बहुत पैसा कमाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाता। सबसे बड़ी समस्या ये है, पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऐसा भी नहीं है कि उड़ा देगा, फिजूल खर्ची कर देगा। इसके परिवार में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बीमार बहुत रहते हैं। जैसे जैसे इसकी इनकम बढ़ेगी उसी तरीके से इसकी दादी, दादा, मम्मी, पापा, इनको प्रॉब्लम बननी स्टार्ट हो जाएगी। कोई ना कोई आएगा, पैसे ले जाएगा, कोई ना कोई समस्या बनेगी, बीमारी वगैरह बनेगी, वहाँ उसे पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। तो ये अंत में आके क्या होता है, खर्चों से डरना शुरू हो जाता है कि यार मेरी 1 लाख रुपए की इनकम है, 80,000 के खर्चे हो गए, यार इस बार तो कुछ बचा ही नहीं। ये राहु की टेंडेंसी होती है। इसके लिए मैं रेमेडीज बताऊंगा इसके लिए क्या करना चाहिए आपको। तो राहु एक सेकंड हाउस में बैठा हुआ क्या करता है, राहु एक ऐसा ऑरा आपको तैयार कर देगा, ऐसा धुआं आपको बना देगा कि आप खूब कमाते रहेंगे और माइंड में फिर भी डाउट रहेंगे क्या करें, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, यार मैंने इतना कमाया कुछ बचा ही नहीं है। तो सेकंड हाउस का राहु का सबसे बड़ा इफेक्ट है कि एक तो इसे परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा। इसको पैसा कमाने में कोई समस्या नहीं, पैसा बहुत कमाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसे को वो स्टोर नहीं कर पाता। उसका पैसा क्योंकि फैमिली के लिए है, वो उस परिवार के दुख मिटाने के लिए आया। आप समझिए राहु को सेकंड हाउस में, वो फैमिली के दुख मिटाने के लिए आया है, वो परिवार के दुखों को हरण करने के लिए आया है, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आया है, उनकी बीमारियां सुधारने के लिए आया है। तो राहु को इस पर खर्च करना पड़ेगा। सेकंड हाउस का राहु आपको ये सिम्टम देगा ही देगा। धन को लेकर हमेशा चिंता रहेगी, परिवार को छोड़ के जाओगे क्योंकि परिवार के लिए सब कुछ करना है तुम्हें, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें सब कुछ करना है, सेकंड हाउस का राहु। दूसरा सिचुएशन क्या रहेगी कि जिस समय आपको परिवार की जरूरत पड़ेगी उस समय परिवार से आपके विवाद बन जाएंगे, कारण बनेगी आपकी जवान, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी है। तो आप जब ग्रुप में बैठते हैं तो अपनी वीर गाथाएं, अपनी बड़ी बड़ी बातें, जहां जो आपने अचीवमेंट्स लिए उनको दिखाना शुरू कर देते हैं, आपकी बातों में घमंड झलकना शुरू हो जाता है, जिससे आपके यार दोस्त चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। सब जानते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोलोगे लेकिन उस सच्चाई को लोग घमंड में ले जाएंगे और वो आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो परिवार में कोई सिचुएशन ऐसी जरूर बनेगी कि वहां पर आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार आपसे कभी ना कभी कटे हुए पाएंगे आपकी जबान की वजह से। आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की आप सलाह दोगे लोगों को, लोग आपकी सलाह को भी मानेंगे। ये ध्यान रखिएगा सेकंड हाउस का राहु की सलाह बहुत अच्छी होती है, लोग आएंगे आपसे सलाह लेने के लिए, आप सलाह देंगे, लेकिन सलाह देंगे और वो सलाह से काम भी होगा, ऐसा बात नहीं है सलाह काम नहीं करेगी, आपकी सलाह से लोगों का भला भी होगा और जैसे ही उनका फायदा होगा, काम निकलेगा, वो तुरंत आपको छोड़ देंगे। आपके पास आएंगे और कहेंगे कि ये काम तो हमने खुद ही कर लिया, तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी, तुम तो गलत कह रहे हो, तुम्हारा कोई श्रेय थोड़ी है इसमें, ये तो हमने करना ही था, ये तो हमारी किस्मत वाली गलत, और आपको दुख होगा। आपकी सलाह लोगों के काम आती है पर उसका श्रेय आपको कभी नहीं मिलता है। ये सेकंड हाउस का राहु करता है। सेकंड हाउस के राहु को क्या करना चाहिए, थोड़ा सुनने की हैबिट ज्यादा बनानी चाहिए। ये सुनता कम है, बोलता बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी बात को सुनेगा तुरंत उस पर स्टेटमेंट देना शुरू कर देगा, तुरंत उसकी बताना शुरू कर देगा। एक हल्की सी बात कहीं किताब में पढ़ेगा, उस बात को सबको जाके बताना शुरू कर देगा सेकंड हाउस का राहु। आपने फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने सीख लिया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, छोटा बच्चा है, अभी 2 साल का ही है, 3-4 साल का हुआ है, उसने सीख लिया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, बोलना सीखा, और जैसे ही उसने बोलना सीखा तो सबको बताता फिरेगा दादाजी भारत की राजधानी दिल्ली है, और ये किसी की नहीं सुनेगा, ये सेकंड हाउस का राहु है। तो ये गुण इसमें आएंगे, तो इसको करना क्या चाहिए, एक तो अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करना है। आगे भी मैं डिस्कस करूंगा इस बारे में कि इसकी वाणी से क्या क्या समस्याएं आएंगी,
इसकी अर्निंग में, इसकी कमाई में, इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंट्रोल करना है, तो बने रहिए हमारे साथ में। देखिए तो नॉर्मल मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा भी है पहले पॉइंट में कि परिवार से खुद को अलग पाएगा कि जिस समय परिवार की जरूरत होगी उस समय परिवार साथ नहीं देगा, क्योंकि परिवार इसके लिए नहीं है, ये परिवार के लिए है। राहु के सेकंड हाउस को आपको समझना है। आप ये उम्मीद मत लगाना कि परिवार आपकी सपोर्ट करेगा। ये ध्यान रखिए मैं क्या करूं बार बार, आप परिवार की मदद करने के लिए जन्म लिए हैं, परिवार आपकी मदद करने के लिए जन्म नहीं लिया है। तो एक्सपेक्टेशन आपकी कभी पूरी नहीं होगी, ना पिता से, ना बच्चों से, और जहां तक उम्मीद है ना ही पत्नी से। तो उम्मीदें लगाओगे तो उम्मीदें टूटेंगी। विवाद से बचना है आपको, भले ही आपको कितना भी ज्ञान है, भले ही सामने वाला झूठ बोल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि राहु आपका अच्छा रहे तो आप सेकंड हाउस के राहु वाले को खास तौर से बता रहा हूं कि आपको विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि विवाद में आप जीत जाओगे पर उस रिश्ते को खो दोगे। विवाद जीत जाओगे, 100% आप डिबेट जीतोगे। अगर पंचायत बैठी है, 10-20 लोग बैठे हुए हैं, तो 100% आप अपनी बातों से जीतोगे। सामने वाले बंदे को चुप होना पड़ेगा, पर वह विवाद जीत जाओगे, पर समस्या ये आएगी वो व्यक्ति तुमसे दूर हो जाएगा। तो व्यक्ति में और विवाद में, बहस में और व्यक्ति में किसी एक को चुनना है तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और चाह के भी व्यक्ति को चुन नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा है वो गलत बोल रहा है, और गलत बोलना सामने वाले का आपको बर्दाश्त ही नहीं है। इस सेकंड हाउस का राहु करता है, इसी वजह से इसके रिश्ते नाते कहीं ना कहीं आके टूटते चले जाते हैं। आगे आइए। मैंने भी कहा था काली जुबान कह सकते हैं इसको। देखो राहु कारक है सरस्वती का, और आपने सुना होगा माँ सरस्वती जुबान पे बैठ जाती है, तो 24 घंटे में कई बार कहते भी हैं, भगवान एक बार सुनता है तो कभी भी किसी के बारे में बुरा ना कहे। तो कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो साल में 2 साल में पूरा हो, पर वो 100% पूरा होता है। उनके सेकंड हाउस में राहु होता है। सेकंड हाउस का राहु क्या करता है कि ये अगर श्राप भी देगा तो पूरा करेगा, अगर ये वरदान देगा तो पूरा करेगा। इसलिए सेकंड हाउस के राहु को चाहिए कि आप किसी के बारे में भूल कर भी कभी भी गलत ना बोले। अच्छा बोलिए, बोल सकते हैं तो, और अपने बारे में भी कभी गलत ना बोले, अपने बारे में भी हमेशा अच्छा बोले, क्योंकि आपकी जबान से निकला हुआ एक एक शब्द समय कालांतर में कभी ना कभी पूरा जरूर होगा। तो ये श्राप भी देगा, वरदान भी देगा, तो ये पूरा होगा। दूसरा, इसकी आवाज जो होती है वो भारीपन लिए होती है, ये बहुत सॉलिड बातें करता है, इसकी आवाज में बेस होता है, समझ रहे ना, जैसे बोलते हैं बेस है इसकी आवाज में। इसकी आवाज ऐसी होती है कि सामने वाले व्यक्ति सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। 10 लोग पहले से बात कर रहे हैं या बीच में बोलेगा तो सब चुप होके इसकी सुनेंगे। ये सेकंड हाउस का राहु होता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है दूसरे पे, ये राजा है। ये देखो कुछ लोग इसे पापी ग्रह मानते हैं कि ये पाप करने के लिए पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये राजा है, इसको समझिए आप। ये सबको कंट्रोल करने के लिए आता है। आपको क्या चाहिए, बहस में जीतना है, आपकी नियति है, आप बहस करोगे तो आप 100% बहस में जीतोगे। आपको क्या चाहिए, शब्दों पर नियंत्रण। कभी कभी क्या होता है कि बुद्धि बड़ी कुशाग्र है, बहुत ब्रिलियंट है आप होते हुए, राहु सेकंड हाउस के लोग पैसे कमाने में, सलाह देने में, चीजों को पहले से समझने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आप दूसरों की नेचर को समझ जाते हैं क्या कहने वाला है, आप दूसरे व्यक्तियों को जानते हैं कि उनका चरित्र कैसा है, आपका फायदा करेगा नुकसान करेगा। लेकिन इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी आप कई बार गड़बड़ में आ जाएंगे, कई बार आप शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे। दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन शब्द बहुत अच्छे नहीं है, शब्द में कड़वापन है, शब्द में कठोरता है, शब्द ऐसे हैं कि सामने वाले को चुभ जाए, इसलिए लोग आपसे बोलने से डरते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि कहीं पार्टी हो रही है तो पार्टी में यार दोस्त कहेंगे कि आपको भी बुला लिया जाए, और वो कहेंगे नहीं यार इसको रहने दो, इसको इसलिए रहने दो कि पता नहीं क्या बोल देगा। तो आपको लोग अपने साथ ले जाने से बचते हैं, वो जानते हैं आप सही हैं, पर सही को भी कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक तो शब्दों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, दूसरा खाने पीने के बहुत शौकीन रहते हैं, और यही खाने पीने का शौक कहीं ना कहीं जाके नशे की लत बन जाता है, आपको आदत हो जाती है। जैसे मान लीजिए बर्गर खाओगे तो पता चलेगा कि आपको बर्गर इतना पसंद आने लगा कि घर का खाना छोड़ दिया, बर्गर 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 खाने लगे। कुछ बच्चे आपने देखे कि वो चिप्स वगैरह खाते रहते, तो चिप्स पे ही लगे रहते हैं, वो उनका सेकंड हाउस राहु है। फास्ट फूड, बर्गर, फिर आगे चल के वही स्मोकिंग, फिर वही तंबाकू, गुटखा, फिर वही चीजें शराब की लत, फिर वही चीजें पान मसाला, सुपारी, इनमें आपकी बदल जाता है। सेकंड हाउस का राहु जो गड़बड़ कराएगा वो आपको सबसे बड़ी समस्या देता है कि आप चाहते हैं कि आप जीवन का आनंद लें, तो खाने पीने के शौक कब वो नशे में बदल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। पहले शौक शौक में आप तंबाकू खाएंगे, सिगरेट पियेंगे, स्मोकिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है, दारू पीना शुरू कर देंगे, अंडा मांस मछली खाना शुरू कर देंगे, स्पाइसी फूड खाना शुरू कर देंगे, जंक फूड्स खाना शुरू कर देंगे, और ये चीजें धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, और ये चीजें आपके नशे की तरफ आपको ले जाती है।
तो खाने पीने की बहुत अच्छी चीज है, आदत बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन उसको कंट्रोल रखें, उसको अच्छी चीजें खाने में लगाएं, वही आपकी नेचर बन जाएगी, वरना आपको बाद में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, सेकंड हाउस का राहु, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, छोटा काम करना ही नहीं चाहता। ये सब लिखा भी आपकी हेल्प के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा। इससे आप बात कीजिए कि कहीं छोटा मोटा काम कर लीजिए, छोटी नौकरी कर लीजिए, बीटेक कर लिया, बीटेक करने के बाद तो दसवीं के बाद, बीटेक के बाद में चल आप 10,000 की नौकरी कर ले, नहीं करेगा। टेंथ के बाद में इसका टारगेट ही रहेगा मुझे बड़ा करना है। आप इससे कहना बच्चे से कि सिंपल बीए बीएससी कर ले, नहीं करेगा, इसे बीटेक एमटेक करना है। ये हमेशा बड़ा काम करना चाहता है, बड़ी एजुकेशन लेना चाहता है, ये चाहता है कि छोटे मोटे पैसे नहीं कमाने, बड़े पैसे कमाने हैं, विदेशों में जाके काम करना है, बड़ा काम करना है मेरे को। तो ऐसा व्यक्ति छोटे काम नहीं करता है, और करता भी है तो उसका मन नहीं लगता है, इसे बड़े ही काम करने हैं अपने जीवन में। और होता क्या है, बड़े काम करने के लिए फिर एक कर्ज लेना शुरू कर देगा। राहु के सेकंड हाउस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि राहु में जब व्यक्ति काम करना शुरू करेगा तो उसका काम शुरू से बहुत तेजी से चलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, धीरे 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 काम में डाउनफॉल आ जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा। उसको हिसाब से सिचुएशन को, मार्केट को समझेगा नहीं, मार्केट से पैसा उठा लेगा, और जैसे ही सेकंड हाउस का राहु पैसे उठाता है वहीं मामला खराब हो जाएगा। सेकंड हाउस के राहु के व्यक्ति को ना तो कभी पैसा लेना है ना कभी पैसा देना है, ये बहुत बड़ी रेमेडी बता रहा हूं आपको। अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है तो ना तो कभी पैसा ले ना कभी पैसा दे, और अगर लेन देन भी करें तो ध्यान रखिएगा जिस व्यक्ति से आप उधार लेते हैं उसके भी सेकंड हाउस में राहु होना चाहिए, वरना जिसको आप पैसा दोगे, मान लीजिए आपका सेकंड हाउस में राहु है, आपने किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे दिया, 2 लाख 10 लाख 5 लाख जो भी दिया, आपको लगा कि पैसा आपका आएगा, लिखित में देंगे, नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस का व्यक्ति अपने परिवार के लिए है ना कि दूसरों के लिए, वो पैसा कमाने के लिए आया है, दूसरों को कमवाने के लिए आया ही नहीं है, उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि पैसा कमाए, अपने घर की कंडीशन सुधारे। जैसे ही वो दूसरे को पैसा देगा उसका पैसा डूब जाएगा, और जिसने पैसा लिया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको अगर किसी व्यक्ति से पर्सनली किसी, देखो बैंकिंग में तो आप ऐसा कर नहीं सकते कि बैंक का आप देखेंगे, लोन एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको नॉर्मली सोसाइटी में किसी व्यक्ति से उधार लेना है, आपको उधार लेना है, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं इस व्यक्ति की सेकंड हाउस में राहु तो नहीं है। अगर उस व्यक्ति के सेकंड हाउस में राहु हुआ और आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में राहु नहीं हुआ, तो गारंटेड बात है आपका पैसा डूबेगा, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आप उस पैसे को कभी नहीं उतार पाएंगे, इवन वो भी व्यक्ति परेशान होगा और आप तो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे अगर आपने सेकंड हाउस के राहु वाले व्यक्ति से पैसा लिया तो। ठीक, तो यहां तक समझ गए मैं क्या बता रहा हूं आपको, तो राहु को सेकंड हाउस को किस तरह से समझना है। देखिए दूसरा क्या रहता है, ये एक और दिक्कत आती है सेकंड हाउस के राहु वाले व्यक्ति को, कि इसको काम बहुत बढ़िया चलेगा, बेहतरीन चलेगा। मैं क्यों मना कर रहा हूं कि आपको ब्याज पे उधार पे पैसा लेना नहीं है, क्योंकि जब आपका काम बढ़िया चलता है आपको लगता है मैं अपने काम को एक्सपेंड करूंगा, और एक्सपेंड करने के चक्कर में आप मार्केट से पैसा उठाएंगे, लेकिन राहु की एक टेंडेंसी होती है, राहु जब दे रहा है दिए जा रहा है, लेकिन एक वक्त वो आपसे लेना शुरू करता है, यानी आपको राहु 4-5 साल तक 5-10 साल तक बहुत बढ़िया देगा, फिर उसका हिसाब करेगा। राहु एक पापी है, शैतान है, जैसे शैतान में आपने देखा होगा उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि 10 साल तक हम तुझे मजे देंगे, जो करना है वो कर, लेकिन फिर मैं तुझसे लूंगा, बिल्कुल सेम राहु करता है, आपको खूब देगा, लेकिन फिर आपसे वो लेना शुरू करेगा, और जिस समय लेना शुरू करेगा आपको ये तैयार रहना चाहिए सेकंड हाउस के राहु वाले व्यक्ति के लिए कि आपका कितना भी सॉलिड बिजनेस क्यों नहीं है, एक ना एक दिन वो ठप हो जाएगा। रेमेडीज नहीं किए हैं तो 99% चांसेस ये होते हैं कि सेकंड हाउस के राहु वाले लोगों के बिजनेस बहुत अच्छे चलते हैं और फिर अचानक से खत्म हो जाते हैं। वो कारण ये तो कुंडली मैच ही नहीं कराया इतना। तो अगर सेकंड हाउस में राहु है तो आपका काम चलेगा, बढ़िया चलेगा, लेकिन एक टाइम पे वो काम अचानक आपको बंद करना पड़ेगा। कारण कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, डेथ हो सकती है, या कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके परिवार को कहीं शिफ्ट होना पड़ सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन आपको बिजनेस छोड़ना ही पड़ेगा दूसरे भाव के राहु की वजह से। दूसरा, दूसरे भाव की जो राशि है, मान लीजिए वहां पे चंद्रमा है, लाइन ध्यान से देखना, दूसरे भाव की जो राशि है उस व्यक्ति को, मान लीजिए दूसरे भाव की राशि सिंह राशि है और सिंह राशि में राहु बैठा हुआ है। अब सिंह राशि में राहु बैठा है, सिंह राशि रिप्रेजेंट करते पिता को, तो उसके पिता को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा,
कर्क राशि है, कर्क राशि में राहु बैठा है तो माता को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। माता परेशान रहेंगी, हेल्थ से परेशान रहेंगी, फाइनेंशियली परेशान रहेंगी। माता को उनके हस्बैंड यानी कि आपके पिता सेकंड हाउस राहु वाले के पिता उनकी माता को हमेशा प्रताड़ित करेंगे। तो ये भी एक गुण होता है कि जिस भी राशि में राहु बैठा है सेकंड हाउस में उस राशि से संबंधित व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो राहु को आगे देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात राहु के बारे में, जिसका भी सेकंड हाउस में राहु है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बेहतरीन फ्रेंड्स हैं, एक से बढ़ के एक फ्रेंड है, पर एक फ्रेंड भी काम का नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी इसको जरूरत पड़ेगी तब कोई इसके साथ खड़ा नहीं होगा। ये लोग क्या करते हैं, अपनी सलाह लेने के लिए इसके पास आते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए इसके पास आते हैं, इससे बिजनेस पूछने के लिए आते हैं। भाई तुमने ऐसा बिजनेस शुरू किया मैं कैसे करूं, भाई तुमने यहाँ पे जॉब ले ली मुझे भी जॉब बताओ मैं कैसे करूं, आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे, हमारे बेटे को तैयारी करनी है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है बताओ कहाँ से करें, कौन कोचिंग अच्छा है, कौन टीचर अच्छा है, आप खूब सलाह लेंगे और आपसे सलाह लेंगे और फिर बस बात खत्म कर देंगे आपके साथ में। आप सोचोगे कि इसका बच्चा मेरे कहे के अनुसार अच्छी जॉब पे चला गया तो ये मुझे नमस्कार करेगा या मुझे क्रेडिट देगा, और वहाँ आपका धोखा मिलेगा। वो कहेंगे आपकी सलाह मानते तो ऐसा हो जाता। तो आपको हमेशा जो भी दोस्त आपके हैं वो कभी भी बहुत बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। दूसरा, सेकंड हाउस के राहु में बात बात पे बहस बढ़ेगी, इन्हीं बातों से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक और चीज दूसरे घर के राहु में आती है, ये आपके घर में जो मुख्य एंट्रेंस होता है आपका, मेन जो एंट्रेंस होता है, ये एंट्रेंस पर दिक्कत करता है। हमेशा सेकंड हाउस के राहु वाले व्यक्ति के जो एंट्रेंस है उस एंट्रेंस पर कोई ना कोई अड़चन जरूर होगी, चाहे तो वहां पे कोई खंभा होगा बिजली का, या वहां कोई सीवर लाइन टूटी पड़ी हुई होगी, या उसके सामने रोड के सामने की तरफ कोई टूटा फूटा अस्पताल होगा, टूटी फूटी बिल्डिंग होगी, या कोई मंदिर होगा जिसकी छांव इसके घर पे पड़ती होगी, या इसके जस्ट घर में एंटर होते ही जो मेन गेट है, मेन गेट की एंट्री के इधर, या तो सीढ़ियां होंगी या फिर इसके घर में वॉशरूम होगा, बाथरूम होगा, लेटरिन का गड्ढा होगा, इसके मेन एंट्रेंस पे 100% बाधा होगी। और जब तक ये बाधा रहेगी तब तक इसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहनी ही रहनी है। तो अगर ये बंदा चाहता है कि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो अपने घर के मेन एंट्रेंस को ठीक कीजिए, उसका वास्तु ठीक कीजिए, उसके लिए कंसल्टेंसी लीजिए, वास्तु कंसल्टेंट से प्रॉपर कंसल्टेंसी लेके उसको ठीक कीजिए। जब तक उसे ठीक नहीं करोगे तब तक 10 उपाय कर लीजिएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, परिवार से दूरी, मैंने आपको बात की थी, सेकेंड हाउस का राहु परिवार के व्यक्ति के अंतिम समय में उसके साथ नहीं होता है। ये बताया था जिस समय दादाजी एक्सपायर होने होंगे उस समय ये व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ होगा, कहीं 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ होगा, बिजनेस सिलसिले बाहर गया हुआ होगा और कहेगा सर अभी नहीं आ सकता, तो चाचा ताऊ के बच्चे ही उनको देखेंगे या उनको जो भी करना है अंतिम संस्कार वगैरह करना है, ये उसके बाद ही ज़्यादातर आ पाते हैं। पैसे का लेन देन, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि पैसे का लेन देन और चुभने वाली बातें इन्हें नहीं करनी है। अब बात आते हैं इनके रोग के बारे में, इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड हाउस का राहु हर चीज जल्दी करना चाहता है, वो पैसे कमाना चाहता है, बड़ी प्रॉपर्टी कमाना चाहता है, अपने बच्चों को बहुत बड़ा पढ़ाना चाहता है, पत्नी को संपर्क बताना चाहता है कि मेरे बिना भी तेरा काम चल सके, पत्नी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, बहुत केयर भी करता है परिवार की, परिवार के साथ भी रहना चाहता है, वो बात अलग है परिवार साथ नहीं देता है। तो जब ज्यादा जल्दी की आदत होती है तो इसको जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है। राहु सेकंड हाउस का जल्दी जल्दी खाता है, बहुत ज्यादा खा लेता है, जल्दी खा लेता है। आपने देखा होगा राहु पूरी पृथ्वी को खाने की तैयारी में था, सारा ब्रह्मांड खा गया एक टाइप से। तो ये जल्दी खाता है तो जल्दी खाने की बीमारी है, जिससे आपके दांत और आपकी बाइट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। राहु वाले व्यक्ति का जो बाइट प्रेशर है, रोटियों को चबाने का जो फोर्स है, वो बहुत ज्यादा होता है दूसरे व्यक्ति के मुकाबले में। ये ज्यादा तेज फोर्स से रोटियां चबाता है और जिससे इसके दांत खराब हो जाते हैं, कीड़े पड़ सकते हैं, कीड़े लग जाते हैं दांतों में, कैविटी बन जाती है, आरसीटीज की समस्या बहुत जल्दी आती है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं सेकंड हाउस के राहु में। दूसरा, इसको मुंह की गले की समस्याएं बन सकती हैं, इसके गले का बहुत जल्दी में, जैसे 2-3 साल के 4-5 साल के बच्चों को ऑपरेशन हो जाते हैं अगर सेकंड हाउस में राहु है तो। चार, मेरे पास कई कुंडलियां इस तरह की आई है कि 3 साल की बच्ची है उसके गले का डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, या 5 साल का बच्चा है उसने बोलना ही शुरू नहीं किया है। तो ये समस्याएं बन जाती हैं कई बार सेकंड हाउस के राहु में कि ये बोल ही नहीं पाता प्रॉपरली, क्योंकि वो बहुत तेज बोलना चाहता है और सारे शब्द फंस जाते हैं उसके, उसके वोकल कॉर्ड में फंक्शन ठीक नहीं हो पाते हैं तो प्रॉब्लम बन जाती है। तो गले की, चेहरे की, मुंह का कैंसर, गले का ऑपरेशन,
तंबाकू से दांत सड़ जाना, शराब से या जो भी चीजें होती हैं उनसे, सिगरेट से, इसको समस्याएं बनती है। इसके चेहरे पे धब्बे बन सकते हैं, दांत के कीड़े, ऑपरेशन, पायरिया, ये समस्याएं हो सकती है। जीभ में, मुंह के अंदर, गले के अंदर छाले पड़ सकते हैं, ये बहुत समस्या है, इसको सेकंड हाउस का राहु देता है। तो सेकंड हाउस के राहु पर आपको यही चीजें ध्यान रखनी है कि ये सिम्टम्स अगर आपकी कुंडली में है तो राहु को थोड़ा ठीक करें। अब बात आती है उपाय की। सबसे पहला उपाय, अपने घर का जो मेन एंट्रेंस है उसको सबसे पहले ठीक कीजिए। आपने अगर मेन एंट्रेंस ठीक नहीं किया है तो फिर आपको समस्याएं रहेंगी। दूसरा, सेकंड हाउस के राहु को ठीक करने के लिए तो केसर को और बृहस्पति को ठीक नहीं करना है, आपको चाहिए कि वहां पर चंद्रमा को ठीक कीजिए। कच्चे दूध का टीका लगाइए, शुक्रवार को या मंगलवार को थोड़ा सा दूध किसी 10 साल से कम की लड़की को दान दीजिए। अब वो पिए ना पिए उसकी वो पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन 10 साल से कम की लड़की, वो इसलिए बोलते हैं कि मतलब जब वो बच्ची है तो उसको आप दूध दे दीजिए, आधा लीटर, एक लीटर, जो आपकी आपका बजट हो, और कच्चे दूध का टीका रेगुलर लगाएं। ठीक है, दूध का तिलक आपको लगाना है। दवाइयां बांटिए गरीबों में, अस्पतालों में दवाइयां बांटिए, कहीं भी आप दवाइयों का वितरण कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भोजन का दान कर सकते हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी रहती है तो आप लंगर लगा सकते हैं, या कभी भी आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। किसी भी दिन कभी भी क्या नहीं करना है, आपको पैसे नहीं देने हैं। उधार को मैं बार बार कह रहा हूं, सेकेंड हाउस का राहु का व्यक्ति जब भी किसी को उधार देगा तो जिसने उधार लिया है वो चौपट हो जाएगा, और उसके चौपट होने से इस व्यक्ति का भी पैसा मर जाएगा। ये सेकेंड हाउस के राहु की सबसे बड़े उपाय हैं। बाकी सभी उपाय जो होते हैं देखो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपकी कुंडली में सिर्फ एक राहु नहीं होता है, बाकी और सब ग्रह होते हैं, सारी अंतरदशाएं, प्रत्यंतरदशाएं, विमशोत्री, योगिनी दशा, दुनिया भर की कैलकुलेशन होती है, तब जाके एक सटीक प्रेडिक्शन निकलता है। ये तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी राहु के बारे में। आप उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उपाय फिर भी मैं कहता हूँ बगैर अपनी प्रॉपर कुंडली की कंसल्टेंसी के जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि कभी कभी छोटे मोटे उपाय दूसरे ग्रहों को प्रताड़ित कर देते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में आपने राहु का उपाय कर लिया एक राहु ग्रह से, और उधर आपका चंद्रमा खराब हो जाता है, या उधर आपका मंगल जो कि आपका बहुत अच्छा योग में बैठा था, या फिर केंद्राधिपति बना बैठा था, या मंगल राजयोग के अंदर बैठा हुआ था बृहस्पति के साथ में, कहीं ना कहीं इस तरह के योग थे, वो गड़बड़ कर देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मित्रों आप कि आपको राहु का फल समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको अपनी कुंडली विश्लेषण कराना है तो ये नीचे नंबर है हमारे 7535002233, 9613222244। आप इन पे व्हाट्सएप या फिर कॉल वगैरह करके हम संपर्क कर सकते हैं और उसमें अपना कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। ठीक है, चलिए नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं, थैंक यू।